शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हीरा मिल गया? हाँ। कहाँ है? मेरे पास। तुम कहाँ? मैं हीरे के पास। क्या बक रही हो? आज से मेरी नौकरी खत्म। मुझे हिस्सा चाहिए 50-50। जरा पीछे मुड़ के तो देखो, तुम्हारे जो दो बाप खड़े हैं तुम्हें 50-50 करने के लिए। देखो माँ, मैं क्या लाई हूँ। हमारी गरीबी की रातें अब खत्म होगी माँ। जरा उठकर देखो तो सही, दौलत का सूरज कैसा होता है माँ। मेरी तो रातें भी खत्म हो गए, दिन भी खत्म हो गए। मीना, जिसे तुम अपनी छोटी बहन समझते हो, वो मेरी बेटी जरूर है, तुम्हारी बहन नहीं है। क्या कह रही हो माँ? बहुत साल पहले तुझे कहीं से कोई उठाकर लाया था और मेरे पास छोड़ गया था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? कैसे बताती बेटी, वो कसाई मुझे जान की धमकी दे गया था, लेकिन अब मुझे डर कैसा। वो बोलो माँ, बोलो माँ। Ha 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 ha
भागो। रावत ये जाम मैं तुम्हारी कामयाबी और अपनी खुशी के लिए पी रहा हूं। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं रावत। कालिया के पास से वो हीरा निकाल लाना उतना ही मुश्किल था जितना किसी शेर के जबड़ों में हाथ डालकर गोश्त का टुकड़ा निकाल लेना। अब तो मैं इस कुर्सी के काबिल हो गया हूं शाहनी सेठ। नहीं है? अभी नहीं। शानी सेठ के गिलास में जो हीरा चमक रहा है वो उतना ही नकली है जितनी कि तुम्हारी कामयाबी नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं शानी सेठ। शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा हीरा। इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया सेठ। अब मेरी तरफ भी जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बनाया। मैंने सुना था कि इंसानों की तकदीरें आसमानों पर बैठा भगवान लिखा करता है लेकिन मेरी तकदीर तुमने लिखी है सेठ मेरे भाई के हाथ कलम करके। अब इसके बाद न तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। बढ़ाओगे तो हर वक्त हर जगह मैं उन्हें काट के रख दूंगा कुचल के रख दूंगा। कुछ देर के बाद ये होश में आ जाएंगे मैं फिर देखने आऊंगा। तब तक इन्हें आप हर दो घंटे के बाद यह दवाइयां देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या देख रहे हो काका? आज वो देख रहा हूं जो बरसों से आपकी आंखों में कभी नहीं देखा। खौफ भी है उम्मीद भी है और प्यार भी है। जब बिटिया बीमार पड़ी थी तो आपने 3 दिन और 3 रातें इसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे गुजार दी। हाँ काका रानी आज होती तो शायद इतनी बड़ी होती। न जाने अब वो कहां है किस हाल में है। काका जी इसका ख्याल रखना और 2-2 घंटे बाद दवाई पिलाते जी। अच्छा तुम्हारी बीवी का क्या हाल है बिकू? अच्छी सर अस्पताल से लौट आई है। गुड। सतनाम। यस सर। तुम्हारी बेटी इम्तिहान में पास हो गई? वो तो पिछले साल ही पास हो गई थी अब तो कॉलेज जाने लगी है।
Good. आज अपनी जेलर साहब को क्या हो गया सतनाम? आज पहली बार मैंने देखा उनकी आंखों में अंगारी नहीं है, आवाज में वो लोहा नहीं है। आज पहली बार उन्होंने हमें इंसान समझा है और खुद इंसानों की तरह बातें की। काका, काका जी साहब, वो लड़की कहाँ है? जी वो तो चली गई। कहाँ? मालूम नहीं साहब। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहाँ जाने दिया साहब, मैं तो सिर्फ चाय बनाने के लिए ही गया था। वापस आया तो वो जा चुकी थी। मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं यहां से गया ही क्यों। सॉरी काका, तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो अगर रहती भी तो कितने दिन रहती? अपनी बेटियां उम्र भर घर में नहीं रहती, एक न एक दिन चली जाती। और फिर उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं था, न मुझसे न इस घर से।